हेलो गाइज, कैसे आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अंतिल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पर हर रोज़ गवर्नमेंट जॉब या उससे जुड़ी अन्य प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा रोडवेज में निकली हुई नई वैकेंसीज के बारे में। तो जितने मेरे फ्रेंड ऑनलाइन हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और साथी भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, हरियाणा रोडवेज हेतु भारी वाहन चालकों की नियुक्ति हेतु एक नोटिस आई हुई है और लास्ट डेट 25/10/2018 है। मैं इस नोटिस को आपको पूरा पढ़कर बताने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो हरियाणा रोडवेज की कुछ कर्मचारियों की गैरकानूनी हड़ताल से उत्पन्न आपत्ति स्थिति के मद्देनज़र विभाग को 3 माह की अवधि हेतु अथवा नियमित HTV चालकों के ज्वाइन करने तक जो भी पहले हो पूर्णता अनुबद्ध दैनिक वेतन आधार पर 504 चालकों की आवश्यकता है। नियुक्ति की अवधि आला तरीकों के तहत बढ़ाई जा सकती है। तो पोस्ट का नाम भारी वाहन चालक यानी हैवी व्हीकल ड्राइवर है और पोस्ट इसमें 504 है। योग्यता 10वीं पास विद हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए और रंग अंधता नहीं होनी चाहिए। अनुभव भारी वाहन चालक लाइसेंस धारक और भारी वाहन चालन का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और पे स्केल 25,500 तक है। एज इसमें 21 से 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो अंतिम तिथि के अनुसार मानी जाएगी। केवल 10 वर्ष अथवा उससे ऊपर का भारी वाहन चालन का अनुभव रखने वाले आवेदक ही HTV चालक के पद हेतु आवेदन के पात्र होंगे। जिस व्यक्ति को थल सेना, वायुसेना, नौसेना के उस पद पर कार्य किया है जिसमें भारी वाहन चालन के लाइसेंस की अपेक्षा है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि ऐसे व्यक्तियों की संख्या डिपो में अपेक्षित चालकों की संख्या से कम होती है तो 10 वर्ष से या उससे अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति पर विचार किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों की चालन दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें DUG परीक्षा, जिगजैग RCF परीक्षा, आगे और पीछे रोड परीक्षा इत्यादि शामिल होंगी। तो दोस्तों, इस नोटिस में आपको बताया गया है कि आपकी शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स छाटे जाएंगे, जो इनको फॉर्म प्राप्त होंगे, तो उनमें से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, उनका टेस्ट लिया जाएगा और ये 3 माह के लिए लिए जाएंगे। अनुबंध नियुक्ति बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व सूचना दिए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को नियमितीकरण अथवा किसी प्रयोजन हेतु इस प्रकार की नियुक्ति को एकाधिकार नहीं होगा। नियुक्ति विभाग की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति की ओर से महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित एग्रीमेंट के माध्यम से होगी। नियुक्ति 3 माह के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। यद्यपि नियुक्ति के अवधि हालात रिक्तियों के तहत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। आवेदकों के अवैध प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजों की 100 सत्यापित प्रत्या संलग्न करनी है, यानी 100 अटेस्टेड कॉपी इसके साथ आपको भेजनी है। मूल प्रमाण पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उम्मीदवारों को महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज के कार्यालय में एक पद हेतु केवल एक आवेदन जमा करवाना चाहिए। 2 या अधिक डिपो में आवेदन करने वाले आवेदक पर विचार नहीं किया जाएगा और उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस विज्ञापन के तहत नियुक्त भारी वाहन चालकों को विभाग में उसकी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने हेतु कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। पात्र उम्मीदवार चयन परीक्षक के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे, जो कि मेरिट के अनुभव, चालन दक्षता परीक्षा, DUG परीक्षा, जिगजैग रोड परीक्षा इत्यादि के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग नीत है। आवेदक लिफाफे पर पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखेंगे और इसे निम्नलिखित पते पर अर्थात महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजेगा अथवा संबंधित महाप्रबंधक के कार्यालय में आवेदन सीधे जाकर जमा करवा सकता है। आवेदन प्रपत्र संबंधक महाप्रबंधक